आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब सागर में प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। दोपहर में आचार संहिता लागू होते ही पुलिस अमले ने शाम से शासकीय संपत्ति पर राजनीतिक दलों एवं अन्य के पोस्टर, बैनर एवं दीवार लेखन को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। सागर के सिविल लाइन 3 बत्ती, मोतीनगर चौराहा, कटरा, चकरा घाट सहित अन्य जगहों पर जोर शोर से बैनर पोस्टर हटाए गए। इसी प्रकार वाहनों पर अलग से लगाए गए हूटर लाइट नेम प्लेट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शाम को कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करवाने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सामने खड़े होकर संपत्ति विरूपण दल के द्वारा कार्रवाई कराई। नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री पुलिस के साथ शहर में निकले। उन्होंने रात में एलिवेटेड कॉरिडोर के खंभों से झंडे हटवाए। रविवार को भी कार्रवाई चलती रही। पुलिस अधिकारियों ने गोपालगंज में सड़क किनारे अभियान चलाया। अगले 1-2 दिन में शासकीय व सार्वजनिक स्थानों से सामग्री हटा ली जाएगी। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387, 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।